नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशि फल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों सभी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 दिसंबर 2021 के आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं यशोमय ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर ऐसे में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, साथ ही दोस्तों वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों दिन मंगलवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन अश्विनी नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों दिन योग की बात करें तो दोस्तों परिक नाम का शुभ योग सुबह के 6:29 रहेगा, उसके उपरांत दिन शिव नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों यश समय रहेगा शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 4:19 तक और दोस्तों चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों आशी लोगों का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना वो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों पहचान से मिला हुआ काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नजर आसमान पर हो उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगा। यूं तो पत्थर भी तकदीर बदल सकता है, शर्त यह है कि उसे दिल से तरासा जाए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों इसमें पुरानी गलतियों से सीखकर आप कुछ बेहतरीन नीतियों पर भी विचार करेंगे और दोस्तों यश में स्वयं को बेहतर स्थिति में भी आप महसूस करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में पुराने मित्रों के साथ मेलजोल तथा विचार विमर्श आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने संबंधियों के साथ किसी भी प्रकार के झमेले में ना पड़े, ये आपके लिए बेहतर होंगे तथा आप स्वयं को कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों युवा वर्ग भी यश में कुछ तनाव की स्थिति से गुजर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप कुछ सकारात्मक गतिविधियों पर समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में करीबी रिश्तों में कटुता बढ़ने की वजह से आपको अकेलापन और डर दोनों महसूस हो सकता है। दोस्तों जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि काम वक्त पर ना होने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी बना रहेगा। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति जैसा है वैसा ही आपको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रही परेशानी का भी अंत होगा। यश में आप उन्हें नज़दीकी मित्रों या फिर संबंधियों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जायदाद संबंधी कोई भी कार्य यश में सफल हो सकता है। दोस्तों किसी व्यक्ति का सानिध्य आपकी विचारधारा में महत्वपूर्ण सकारात्मक भी लाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय दोपहर के बाद कोई अशुभ समाचार भी आपको मिल सकता है जिसकी वजह से मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। दोस्तों तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और साथ ही पड़ोसियों के साथ भी संबंधों में खटास ना आने दें। दोस्तों आपको बता दें कि वाहन अथवा मशीनरी कोई भी उपकरणों को उपयोग करते समय यह समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे यश में। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर यश में आपकी सेहत बिगड़ गया तो दोस्तों आपको बता दें कि अपने काम पर और परिवार की जिम्मेदारियों पर आप अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, अधिक तरीके से उनकी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने सेहत का यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि समय पूर्वत आपके पक्ष में है। मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान भी इसमें आपको मिलेगा। संतान द्वारा भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल भी रहेगा। शांति तथा सुकून की चाह में किसी धार्मिक स्थल पर भी आप समय को व्यतीत करने वाले हैं। दोस्तों ये समय कभी कभी आत्मविश्वास में कमी व फिर आलस की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें आएंगी, परंतु दोस्तों ये समय इन नकारात्मक कमियों को दूर करने के लिए आपको बेहतरीन सफलता भी प्राप्त करने होंगे। दोस्तों विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट में इस समय असफल होने की वजह से तनाव ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि काम संबंधी गति चाहे जैसी भी हो दोस्तों आगे बढ़ना ही आपके लिए इसमें आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों इस समय परिवार के लोगों का किसी भी बात में साथ मिल पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि भावनात्मक रूप से कमजोर आप इसमें महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी आप कोई भी कठिन निर्णय लेने में योग्य तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यह समय आपके लिए समय होगी दोस्तों, समय की गति आपके पक्ष में भी होगी और सामाजिक दायरा भी इसमें आपके बढ़ने वाले हैं। दोस्तों घर में मेहमानों के आगमन से भी जो है इसमें आवभगत में खुशनुमा वह समय व्यतीत होगा और दोस्तों इसमें उपहारों की आदान प्रदान भी इसमें हो सकती है। दोस्तों कोई बड़ा निवेश करने के लिए जो समय होगा उचित समय होगा। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपको अपने क्रियाकलापों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य भी छूट सकता है। साथ ही दोस्तों घरेलू खर्चा भी संतुलित बजट में बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी प्रकार के बात विवाद में इसमें ना पड़े, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके काम बनते बनते भी रुक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह समय आप अंतिम वक्त पर खर्चे बढ़ाने की वजह से आप कार्यों को छोड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह समय आप कार्यों को ध्यान से करें, आगे करें, क्योंकि दोस्तों आगे आपका सफलता मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें कुछ व्यवसाय की प्रतिद्वंदी आपके सामने कड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है। दोस्तों यश में आपको अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहिए। कार्य विस्तार संबंधी किसी योजना को कार्य रूप में परिणित करने से पहले उस पर अच्छी तरह से आपको सोच विचार करना चाहिए, ये आपके व्यवसाय के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में आप जिस कार्य को बहुत सजग और सरल समझ रहे थे दोस्तों वह बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाले हैं, परंतु आप अपने दृढ़ निश्चय व फिर आत्मबल से उन्हें करने में भी कामयाब रहेंगे या फिर सफलता इनमें हासिल करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि से संबंधित फाइलें इसमें पूरी व्यवस्थित रखें। अपने सहकर्मियों के साथ भी संबंध इसमें मधुर बनाकर रखें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय संबंधी नई तकनीकी जानकारी आपको हासिल होगी, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कोई नदी की यात्रा भी आपको इसमें करनी पड़ सकती है। दोस्तों यह यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी, परंतु दोस्तों आपको विरोधियों की गतिविधियों को इसमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पति पत्नी के बीच घर के किसी मुद्दे को लेकर गंभीर विचार विमर्श भी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप समस्या का उचित समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण जो है प्रसन्नतापूर्ण रहेगा तथा सबके साथ मनोरंजन व फिर शॉपिंग संबंधी योजनाएं भी बनने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि काम के साथ साथ पारिवारिक दायित्व का भी पूरा ध्यान रखें, कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करना घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर भी आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें पारिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल व फिर सामंजस्य बना रहेगा, परंतु प्रेम प्रसंग बदनामी व फिर अपयश का कारण बन सकते हैं, इसलिए दोस्तों इनसे आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लापरवाही बरतना आपके लिए उचित नहीं होगा, तो दोस्तों इन पर आप खड़े उतरें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, कफ खांसी की वजह से गले व फिर छाती में दर्द जैसी समस्या रह सकती है, लापरवाही ना बरतें और उचित इलाज लें, यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें खांसी जुकाम जैसी हल्की फुल्की दिक्कत भी रह सकती है, घरेलू इलाज से भी स्वास्थ्य आपका सही हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर तथा हार्ट पेशेंट सर्दी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें,
दोस्तों थोड़ी सी सावधानी उन्हें स्वस्थ रखेगी, तो दोस्तों इन पर आप जरूर ध्यान दें। और दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।